केंद्र सरकार के भारत बंद के आह्वान पर और महंगाई को लेकर हमीरपुर जिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और बाजार में रैली निकालकर पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं करीब 11:30 बजे नदौन चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, विधायक बड़सर इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, सुरेश कुमार, राकेश रानी भी मौजूद रहे। हालांकि चक्का जाम के दौरान पुलिस के द्वारा बलपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को हटाया गया और गिरफ्तार करके पुलिस थाना ले गए। कांग्रेस के चक्का जाम के दौरान आपातकालीन सेवाएं एम्बुलेंस गाड़ी को जाने दिया और बाकी यातायात को रोक दिया। कांग्रेस नेताओं ने इस अवसर पर जमकर अपना गुबार केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और नदौन चौक पर चक्का जाम किया, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शन को बंद करवाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के और हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आह्वान पर पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया था। और जो जिस तरह से आज पेट्रोल डीजल के महंगाई बड़ी है, उसको लेकर आज पूरे प्रदेश स्तर में और आज जिला स्तर पर धरना दिया गया और हम लोग इसका विरोध करते हैं कि महंगाई को सरकार जो कम करे। और जिस तरह से राफेल घोटाला डील हुई है, उसमें जिस तरह से घोटाला है, उसका भी जनता के सामने पर्दाफाश होना चाहिए। वहीं बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का कहना है कि केंद्र सरकार ने महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दी है और यहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन को भी जबरदस्ती बंद करवाया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज मोदी सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है। आज पूरे भारत में जो है राहुल गांधी जी के आदेशानुसार भारत बंद का आयोजन जो है हमीरपुर में भी किया गया। आज जो देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, खासकर डीजल के तेल, पेट्रोल के तेल और गैस के जो तेल हैं निरंतर बढ़ रहे हैं, रुपया निरंतर गिर रहा है, लेकिन मोदी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, झूठ पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी के लोग तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक ये सरकार को यहाँ से उखाड़ ना फेंकेंगे। प्रशासन ने हमारा जो यहाँ पर आज का 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का हमारी वो थी कॉल थी राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती हमें यहाँ से गाड़ियों में भरा और अब पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है किसी भी प्रकार के आंदोलन से डरती नहीं है। हमीरपुर कांग्रेस कमेटी भी आज उसमें शामिल है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि 4.5 साल पहले जो देश में सरकार सत्ता में आई थी, आज उस सरकार ने इस पोजीशन में पहुंचा दिया कि आज कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर बैठ के धरना देना पड़ रहा है। देश की पूरी जिम्मेवारी भाजपा सरकार की है, भाजपा के भाजपा के प्रधानमंत्री की है, भाजपा के जो सरकार है उसमें बंद करो। दोस्तों, जब सरकार तो इस सरकार ने तेल को कम करने के लिए वादा किए थे, इन्होंने नौजवान साथियों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, इन्होंने किसान के कर्जों को माफ करने के लिए वादा किया था। आज हालात क्या हुई 4.5 साल में,